मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम क्या आपने स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि यह मानव जन्म हमें किस लिए मिला है हम में से एक एक व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए यह मानव जन्म दुर्लभ जन्म कहते हैं कि देवलोक में देवता इस मानव जन्म को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं ऐसा दुर्लभ जन्म हम में से एक एक व्यक्ति को मिला है पर प्रश्न यह है कि हमें यह जन्म किस लिए मिला है क्या हमें यह मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि हम लाखों करोड़ों रुपए जमा कर सके क्या हमें धन संपत्ति के पीछे भागने के लिए और भागते भागते एक दिन दम तोड़ने के लिए यह जन्म मिला है क्या हमें यह जन्म मान सम्मान यश कीर्ति पाने के लिए मिला है मान सम्मान यश कीर्ति तो एक बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि जब आपको मान यश और कीर्ति मिलती है तो आपके मन की अशांति बढ़ने लगती है क्या हमें यह मानव जन्म इंद्रिय भोग में अपनी शक्ति गवाने के लिए मिला है इंद्रिय भोग तो है रोग फिर किस लिए हमें यह मानव जन्म मिला है मेरे प्यारे भाई और बहनों हमें यह मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि हम अपने प्रियतम अपने प्रभु को पा सके यह दे मानव दे उत्तम देह जिसे हम रोज रोज वृष्ट करते रहते हैं इस उत्तम देह में है एक दरवाजा जिस दरवाजे को गुरु नानक देव जी ने दसवय द्वार कहा है दस मय द्वार अर्थात दसवां द्वार हमारे शरीर के नव द्वार तो खुले हैं पर दसवां द्वार इस समय बंद है धन्य है वह इंसान जो यह द्वार खोलता है जिस इंसान का दसवें दसवां द्वार खुल जाता है वह अपने प्रियतम को पा लेता है वह प्रभु के दर्शन करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों जैसा कि मैंने कहा हमें यह जन्म मिला ताकि हम अपने प्रियतम को पा सकें अपने प्रभु को पा सकें अब प्रश्न यह है कि हम अपने प्रभु को कैसे पाएं? प्रभु को पाने का रास्ता कौन सा है प्रभु को पाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है इस प्रश्न का उत्तर है प्रभु को पाने का सबसे सरल रास्ता है प्रेम का रास्ता प्रेम का रास्ता भक्ति का रास्ता जिसमें हमें कहना है हे hey, प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं आई लव यू गॉड आई वॉन्ट टू लव यू मोर एंड मोर आई वॉन्ट टू लव यू मोर देन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड I want to love you to distraction. Grant me pure love and devotion for thy lotus feet, O Lord, and so bless me that this world-bewitching Maya may not lead me astray. May the ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं ईश्वर स्वयं इस सारी सृष्टि के मालिक हैं ईश्वर तो बस इतना चाहते हैं कि हम उनसे जाकर कहें कि हे प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं जब कोई ईश्वर के द्वार पर जाकर उनसे कहता है हे प्रभु मैं प्रेम के पुष्प आपके चरणों में भेंट करने आया हूँ यह सुनकर ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से बढ़कर प्रभु को और कोई बात खुशी नहीं देती मेरे प्यारे भाई और बहनों एक लड़की है उसके विवाह को चार साल हो चुके हैं पर आज तक जब उसके पति काम से लौटते हैं तो वह अपने पति से सबसे पहले कहती है आई लव यू हनी उसके पति ने मुझसे कहा जब मैं ये शब्द सुनता हूँ तो मेरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है मेरे बिजनेस के सारे तनाव दूर हो जाते हैं जब मेरी पत्नी मुझसे कहती है आई लव यू हनी तो मैं भी उस सिक्के कान में कहता हूँ आई ऑल्सो लव यू हनी मेरे प्यारे भाई और बहनों भगवान भी हमारे मुंह से ये शब्द सुनना चाहता है न केवल मुँह से पर वे हमारे दिल से ये शब्द सुनना चाहते हैं आई लव यू गॉड एंड आई वॉन्ट टू लव यू मोर एंड मोर आई वॉन्ट टू लव यू टू डिस्ट्रैक्शन हे प्रभु मुझे इश्क का नशा दो मुझे प्रेम की दीवानगी दो ताकि मैं उसमें ही खो जाऊं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अगर प्रभु को जानना चाहते हो तो प्यार करना सीखो यह आध्यात्मिक जीवन का एक नियम है जितना आप प्रभु को प्यार दोगे उतना ही अधिक आप प्रभु को जान सकोगे प्रभु है प्यार और अगर इस प्यार को आप जानना चाहते हो तो प्रभु को प्यार करो प्यार द्वारा ही आप प्रभु को जान सकोगे संत कृष्ण जी बार बार अपने शिष्यों से कहते थे प्यार के अलावा बाकी सब बातें तुम्हें केवल प्रभु के दरबार के आंगन तक ही ले जाएंगी किंतु यदि तुम्हारे दिल में प्यार है तुम्हारे दिल में प्यास है तो प्रभु के दरबार के सब दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और तुम सीधे वहाँ पहुँचोगे जहाँ प्रियतम खुद बैठा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अगर आप प्रभु से प्यार करना चाहते हो तो प्रभु से नाता जोड़ो नाता जोड़ो आपने कई सारे काम किए हैं आपने अपना बिजनेस बढ़ाया है आपने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, आपने स्कूल और कॉलेज खोले अस्पतालें बनवाएं, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाएं। इसके लिए आपको धन्यवाद पर यदि आपने परमात्मा से नाता नहीं जोड़ा तो फिर आपका जन्म निष्फल हो गया इसलिए परमात्मा से नाता जोड़ो नाता जोड़ो भगवान तो निराकार हैं लेकिन अपने भक्तों के लिए वे कोई रूप धारण कर इस संसार में आते हैं गॉड इज द फॉर्मलेस वन बट फॉर द सेक ऑफीज हीज वोन मैनी फॉर्म्स एंड विजिटेड दिस अर्थ प्लेन अगेन एंड अगेन मेरे प्यारे भाई और बहनों आप उनके किसी भी रूप से नाता जोड़ सकते हैं आप चाहें तो उन्हें श्री कृष्ण के रूप में भज सकते हैं आप चाहें तो श्री राम के रूप में नाता जोड़ सकते हैं या शिव जी के रूप में अगर रूप से नहीं तो आप ईश्वर के विभूतियों का ध्यान करें जैसे द विजडम ऑफ गॉड द लव ऑफ गॉड द जॉय ऑफ गॉड द पीस ऑफ गॉड पर ईश्वर से नाता जरूर जोड़ो आप ईश्वर से कोई भी नाता जोड़ सकते हैं पिता का नाता माता का नाता भ्राता या सखा का नाता या फिर महबूब का नाता जो भी नाता आपको भाए जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी मेरे प्यारे भाई और बहनों मुझे माता का नाता बहुत प्रिय है क्योंकि मां के पास हम किसी भी समय जा सकते हैं हमसे यदि कभी कोई भूल भी हो तो हम मां के पास जाने से घबराएंगे नहीं हम पिता से जरूर थोड़ा घबराते हैं शायद पिताजी डांट दें द फादर रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पिता इंसाफ की बात करते हैं परंतु माँ हमेशा क्षमा करती है माँ प्यार करती है और हर हाल में बच्चे को अपने सीने से लगाती है पर आप ईश्वर से कोई भी नाता जोड़ सकते हैं और रोज रोज उसे बढ़ाते रहें आप अपने काम करें करते रहें आप अपने कर्तव्यों का पालन करें अवश्य करें ऐसा नहीं है कि आप परिवार को छोड़कर किसी वन में जाकर बैठ जाएं जरूरी नहीं है कि आप किसी पहाड़ पर अपना डेरा जमा ले आप परिवार में रहें अपना काम काज करते रहें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें पर सारा समय चौबीस घंटे आठों पहर काम काज करते हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे दिल से बार बार यह पख यह पुकार उठे आई लव यू गॉड आई लव यू गॉड मेरे प्यारे भाइयों और बहनों भगवान ने हमें सोचने और कल्पना करने की आज़ादी दे रखी है हम कुछ भी सोच सकते हैं कुछ भी कल्पना कर सकते हैं पर अफसोस हमारे मन में कितने गंदे विचार उठते हैं जैसे अपवित्रता के विचार राग द्वेष ईर्षा के विचार ये बुरे विचार हमारे मन को मलिन करते हैं पर अगर हम चाहें तो अपने भीतर ईश्वर के प्रेम करने के विचार उठा सकते हैं हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा हम अपने हाथों से काम काज करते रहे पर हमारे मन में परमात्मा का प्यार बसा रहे समुद्र की लहरों की तरह प्रभु का प्यार हमारे दिल में हिचकोले लेता रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों कभी आपने समुद्र के किनारे खड़े होकर देखा है कि समुद्र में सारा समय लहरें उठती रहती है हमारे भीतर भी एक समुद्र है एक मन के समुद्र में एक ही लहर बार बार उठती रहे प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता हूं मैं तुम्हें प्यार करता हूं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों भक्त प्रहलाद के बारे में आप जानते ही हैं उसके पिता उसे कहते थे खबरदार जो तुमने अपने होठों पर प्रभु का नाम आने दिया तो मैं तुम्हारे मुंह पर पट्टी चिपका देता हूँ ताकि तुम्हारे मुंह से प्रभु का नाम ही न निकले पिता की बात सुनकर प्रहलाद कहता है पिता श्री आप मेरे मुंह पर पट्टी चिपका सकते हैं पर मन ही मन तो मैं ईश्वर को याद करता रहूंगा उन्हें प्यार करता रहूंगा आई लव यू गॉड आई वॉन्ट टू लव यू मोर एंड मोर आई वॉन्ट टू लव यू टू डिस्ट्रैक्शन टू इंटॉक्सिकेशन मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रभु से प्यार करो प्रभु से अपने प्यार का इजहार करो विशेष रूप से जब हम सुबह नींद से जागते हैं उस समय हमारे दिल से सबसे पहले यह विचार उठना चाहिए और फिर रात को जब हम सोने जाते हैं तो भी दिल में यही विचार लेकर सोएं हे प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत मीठी नींद आएंगी हमारे सपने भी बहुत मनोहोरी होंगे आज से ही हम यह छोटी और सरल साधना शुरू कर दें ऐसा करने से हमारे जीवन में नया रंग आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों भगवान हमें रोज चौबीस घंटे का समय देते हैं इन चौबीस घंटों से हम भगवान को कितना समय देते हैं आज मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप चौबीस घंटों में से कितनी बार भगवान से कहते हैं हे प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास इतना काम है कि सिर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती बेशक आपको फुर्सत नहीं मिलती पर यह मत भूलना कि आपके पास जितना समय है वो सब ईश्वर की देन है मान लो यदि ईश्वर कहे मैं तुम्हें अब समय नहीं दे सकता तब आपके काम काज का क्या होगा आपके अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स का क्या होगा पल भर में ही सब कुछ दावा डोल हो जाएगा। फिर ऐसे ईश्वर को आप क्यों याद नहीं करते आपको चाहिए कि चौबीस घंटों में से कुछ समय आप ईश्वर के लिए तय कर लें, उसमें से थोड़ा आप ईश्वर का ध्यान करें आप ईश्वर को पुकारें आप ईश्वर से प्यार करें फिरत फिरत द्वार तो हारे आया मैं भिखारी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों फिर उस प्यार को दुखियों दरिद्रों अपंगों में बांटते रहे संसार में बहुत दुख है स्त्रियों दुखी पुरुष दुखी उन सब में ईश्वर का रूप देखकर उन्हें प्यार दें क्योंकि प्यार ही है जो दूसरों को सुखी कर सकता है इस संसार में एक एक इंसान सुख की तलाश में रहता है फिर सच्चा सुख कहाँ है एक सुख है जो हमें थोड़े समय के लिए मिलता है जैसे इंद्रिय भोग ऐशो आराम पर सच्चा सुख नित्य सुख हमें कैसे मिले इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव साधु स्वामी जी ने आज हमें अपने पुस्तक प्रभात के पर्दे में के द्वारा कुछ इस प्रकार दिया है सच्चा सुख है प्रभु के चरणों में बाहर का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो सच्चा सुख तब मिले जब हम प्रभु के रूबरू रहें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आइए हम भी यत्न करें भगवान से आशीष लेकर भगवान की कृपा पाकर हम भी ईश्वर के रूबरू रहने की साधना करें और सदा पुकार से रहें आई लव यू गॉड आई लव यू गॉड आई लव यू गॉड आई लव यू गॉड ओम शांति शांति शांति